मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में, मेरे जैसे हजारों लड़कियाँ हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। आखिर क्या है केरल में 32,000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल करने की सच्चाई? क्या सच है द केरल स्टोरी में दिखाए गए लव जिहाद के काले सच की कहानी? ने करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो। 5 मई को रिलीज हो रही द केरल स्टोरी का ट्रेलर देख लोगों ने कहा कि कश्मीर फाइल्स तो बस ट्रेलर था, असली पिक्चर तो यही है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं इस फिल्म में दिखाई जाने वाली कहानी के पीछे की सच्चाई, लेकिन उससे पहले जरा जानते हैं कि इस फिल्म में क्या दिखाया जा रहा है और फिल्म की कहानी को लेकर के क्या विवाद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनातन टाइम्स। एक लंबे इंतजार के बाद द केरल स्टोरी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये फिल्म केरल में 32,000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और उनके गायब होने की सच्ची घटना पर आधारित है। दरअसल ये कहानी उन लड़कियों की है जो बनना तो नर्स चाहती थीं, लेकिन ISIS की आतंकवादी बन गईं। उनका धर्म परिवर्तन किया गया। केरल की हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को लव जिहाद के ट्रैप में फंसाकर मुस्लिम बनाया गया, और ऐसा सिर्फ एक या दो के साथ नहीं बल्कि केरल की 32,000 लड़कियों के साथ किया गया। बता दें कि अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सोनिया बानी, सिद्धि इदनानी लीड रोल में हैं। फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम भाषा में रिलीज की जाएगी। द केरल स्टोरी के ट्रेलर में अदा शर्मा की दमदार एक्टिंग दिखी है। फिल्म में वे शालिनी उन्नीकृष्णन के रोल में दिखेंगी। हिंदू परिवार से ताल्लुक रखने वाली शालिनी अब फातिमा बन चुकी हैं। ट्रेलर की शुरुआत में शालिनी से ISIS ज्वाइन करने से जुड़े सवाल किए जा रहे हैं। वो ऑफिसर्स से कहती हैं, मैंने कब ISIS ज्वाइन किया, इससे ज्यादा जरूरी ये जानना है क्यों और कैसे मैं ISIS से जुड़ी। दिखाया जाता है कि कैसे मासूम हिंदू लड़कियों को गुमराह किया जाता है, उनका ब्रेन वॉश कर उन्हें अल्लाह के करीब लाया जाता है, उन्हें यकीन दिलाया जाता है कि हिजाब पहनने वाली लड़कियों के साथ कभी रेप और बदतमीजी नहीं होती। फिर ये लड़कियां इस्लाम धर्म को अपना लेती हैं, उन्हें ISIS आतंकियों के बीच लाकर खड़ा कर दिया जाता है। फिर शुरू होता है वो खौफनाक मंजर जिसकी इन लड़कियों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो देखती हैं इंसानियत के भेष में दरिंदगी क्या होती है। ISIS आतंकियों का घिनौना चेहरा इन लड़कियों की रूह कपा देता है और ट्रेलर देखने वाले दर्शकों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये कहानी बस शालिनी की ही नहीं है बल्कि उसकी जैसी 32,000 लड़कियों की है जो केरल से गायब हो चुकी हैं। ट्रेलर के आखिरी में अदा शर्मा कहती हैं, मेरी जैसी 32,000 लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी हैं। तो ये तो रही उस कहानी की बात जिस पर ये फिल्म बनी है। अब जानते हैं कि आखिर इस कहानी में सच्चाई कितनी है। दरअसल 2021 में मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में फिल्म के निर्देशक सुदीप्तो सेन ने कहा था कि केरल से 32,000 लड़कियों के गायब होने के ये आंकड़े उनके नहीं हैं। वो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के साथ अपनी बातचीत के आधार पर इस आंकड़े तक पहुंचे हैं। बता दें कि सेन के अनुसार केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि हर साल लगभग 2800 से 3200 लड़कियां इस्लाम अपना रही हैं। इस तरह 10 साल में ये संख्या 32,000 तक पहुंच गई है। इतना ही नहीं, इन सब के साथ कई ऐसे आंकड़े भी हैं जो इस फिल्म की कहानी को सही ठहराते हैं। जैसे कि जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो खबर आई थी कि 4 भारतीय महिलाएं अफगान जेल में बंद हैं। बाद में ये बताया गया कि वे ISIS में शामिल होने के लिए अफगानिस्तान गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अफगानिस्तान की जेल में बंद 4 भारतीय महिलाएं खुरासान प्रांत में इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए अपने पतियों के साथ गई थी। बाद में उनके माता पिता ने भारत सरकार से उनकी स्वतंत्रता और उन्हें भारत वापस लाने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई और उन्हें एक अफगान जेल में
डाल दिया गया। वहीं इसके साथ ही बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2016 में केरल के 21 लोगों ने इस्लामिक स्टेट जिहादी आतंकवादी समूह में शामिल होने के लिए देश छोड़ दिया था। उनमें से एक छात्रा ने शादी से पहले इस्लाम कबूल किया था। रिपोर्ट में कहा गया कि उसने जब देश छोड़ा तब वो 8 महीने की गर्भवती थी। बीबीसी की ही रिपोर्ट में एक पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया था कि किसी को भी रिकॉर्ड की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा अनुमान है कि 10-15 से अधिक महिलाएं नहीं हैं जो 2016 से केरल से ISIS में शामिल होने के लिए धर्मांतरित के बाद देश छोड़ गई हैं। हालांकि यहां इस बात से इनकार नहीं किया गया कि लड़कियां केरल से गायब हुई हैं। 2006 से लेकर 2011 तक केरल के मुख्यमंत्री रहे VS अच्युतानंदन ने एक बयान दिया था जिसमें वो कह रहे थे कि पॉपुलर फ्रंट केरल को एक इस्लामिक राज्य बनाने के लिए प्रयत्नशील है। प्रतिबंधित संगठन NDF की तरह इनका ध्येय भी अगले 20 साल में केरल को मुस्लिम राज्य में परिवर्तन कर देना है। अमृता टीवी के सौजन्य से हासिल इस वीडियो की क्लिप की तारीख 24 जुलाई 2010 की बताई गई है। इतना ही नहीं, धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के मामले में केरला हाई कोर्ट ने भी कई बार चिंता जाहिर की है।